हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवाजी टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, वो भी मैं केवल 2 मिनट के अंदर आपको थंबनेल बनाना सिखाने वाला हूं। आपको थंबनेल बनाने के लिए पिक्सल लैब की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो और भी कई सारे ऐप हैं, लेकिन मैं आपको पिक्सल लैब से ही बताने वाला हूँ। अगर आपके पास नहीं है, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। आप जैसे ही उसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या, सबसे पहला काम 3 डॉट पर जाकर इसका साइज सिलेक्ट कर लीजिए। साइज सिलेक्ट करना होगा यूट्यूब थंबनेल का। इसके बाद आपको ये टेक्स्ट जो देख पा रहे हो, इसको डिलीट कर दीजिए ऊपर जा। इसके बाद दोस्तों, आपको नीचे 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आपको सबसे राइट वाले पर आ जाना होगा और कलर पर चले जाना होगा। कलर पर जाने के बाद भी आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन नज़र आएंगे। एक कलर का यहाँ पर आपको मिलेंगे सारे सिंगल कलर। अगर आप अपनी थंबनेल में सिंगल कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर ले, और डबल कलर रखना चाहते हैं तो नीचे वाले पर क्लिक कर लें। यहाँ पर आपको डबल कलर मिलेंगे, डबल शेड वाले, ठीक है, इस तरीके के। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से भी कलर चूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम ये कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको इसी पर बताता हूँ थंबनेल आप कैसे अपना बना सकते हैं। कलर तो हमने बैकग्राउंड चूज कर लिया, अब इस पर बताता हूँ टैक्स वगैरह आप कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पर आना होगा, टैक्स पर क्लिक कर देना होगा। टैक्स पर क्लिक करने के बाद इस पर डबल टैप कर देना होगा, आपके सामने कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं थंबनेल। सबसे पहले तो थंबनेल, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा थंबनेल तो हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है, ठीक है। अब इसका दोस्तों, अब हमें कलर भी चूज करना होगा। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आप यहाँ से इसका कलर किसी भी तरीके का, अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। चलिए, ब्लैक कलर यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा, तो हम ब्लैक कलर ही सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट पर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, फिर से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसको डबल टैप करके फिर से हमारा कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं कैसे बनाएं। तो हम यहाँ पर इसको हिंदी में करने वाले दोस्तों, ये भी हमने यहाँ पर टाइप कर लिया। इसका भी हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं उसी तरीके से। इसका कलर कर लेते हैं हम रेड, ठीक है, फिर से राइट कर देते हैं। अब दोस्तों, हमें नीचे टाइप एक और ऑप्शन करना होगा कि थंबनेल कैसे बनाएं केवल 2 मिनट में। अब ये भी हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये भी हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब इसका भी हमें यहाँ से कलर चेंज कर लेना होगा उसी तरीके से। इसका कलर कर लेते हैं हम ग्रीन, या जो भी आपको पसंद हो वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए, हम इसको वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, 3 ऑप्शन हमने यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। और दोस्तों, अब हम इनका तो जो है अपना फॉन्ट वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ए वाले ऑप्शन पर आएंगे तो हम यहाँ पर नीचे आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पर हमको फॉन्ट नज़र आ जाएगा। हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, थंबनेल वाला हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है। अब कैसे बनाएं इसका भी हम चाहे तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा हम चाहे या जैसा हमको अच्छा लगे, ठीक है। तो इसका भी कर लेते हैं, लास्ट वाले का भी इसी तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों, करना क्या है, इसमें क्या बचा, केवल अब जो लेफ़्ट वाली साइड बची है, इसमें हम अपने जो है फ़ोटो की PNG और ऐड कर देते हैं ताकि और भी अच्छा लगे। तो अब हम अपनी गैलरी पर जाते हैं और गैलरी पर जाकर अपनी जो है PNG सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने फ़ोटो की PNG भी लगा दी है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, काफ़ी सुंदर थंबनेल हमारी यहाँ पर लग रही है। अब दोस्तों, YouTube के लिए हमने थंबनेल बनाई है, YouTube वीडियो के लिए, तो यहाँ पर एक YouTube वाला लोगो भी हम लगा देते हैं। उसको भी PNG बनाकर आप डाउनलोड कर लें और इसी तरीके से प्लस वाले आइकन पर जाएं और फ्रॉम गैलरी आपकी यहाँ से ओपन हो जाएगी और आप यहाँ से उसको लगा सकते। तो दोस्तों, आप जहाँ पर देख पा रहे हो, YouTube वाले हमने लोगो भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हमारा जो है थंबनेल काफ़ी सुंदर और बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, आई होप आप भी सीख गए होंगे इसी तरीके से थंबनेल बनाना। आप इसको चाहे तो अपने हिसाब से और भी एडजस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मतलब ये था कि आपको मैंने जो है जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें इसमें बता दी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।